हेलो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम मॉर्निंग वॉक पे हैं और घूम रहे हैं यहाँ पे। तो दो जने हैं, अकेले नहीं हैं, दो दो जने हैं। तो अभी हम लोग बहुत दूर पहुँच चुके हैं, खजूरी के आसपास आ चुके हैं हम कराव नगर से। तो गाइज, हम ये रोड बाई रोड घूम रहे हैं आज। जिस ग्राउंड में हम जाते थे घूमने के लिए, उस ग्राउंड में आज नहीं गए हैं और आज हम दूसरी जगह आ रखे हैं। तो दिख रही होगी आप लोगों को रोड एकदम क्लीन। तो हम लोग आज रोड बाई रोड घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छी बनी हुई है रोड। अभी चालू नहीं है तो अभी घूमने का बन रहा है इस रोड में। तो कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चल रही इसमें, देख सकते हो। और घूमने वाले भी आज कम हो गए हैं क्योंकि आज बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो लोग यहाँ आज कम दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज, हम भी आज तीन से दो ही हैं और तीसरी वाली के बच्चों का स्कूल खुल चुका है तो वो नहीं आई आज, और हम दो आ रखे हैं। कहाँ तक जाने का इरादा है? हमारे बच्चे कॉलेज वाले हैं इसलिए हम आए हैं, हमारे बच्चे स्कूल वाले नहीं हैं, वो थोड़ा लेट जाते हैं तो इसलिए हम ही आ रखे हैं। रोड बाई रोड घूम रहे हैं, देखो पीछे से भी लोग आ रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, और आगे भी लोग बहुत हैं। देखो आगे से लोग इतने आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को। गाइस, यहाँ पर हम स्टॉप हो चुके हैं, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। यहाँ से आगे भी काफ़ी दूर है घूमने का, काफ़ी दूर जा सकते हैं आप लोग क्योंकि हम थक चुके हैं। हम यहीं पे स्टॉप हो चुके हैं और हम कहाँ पे स्टॉप हो रखे हैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है खजूरी का सरकारी स्कूल, यहाँ पे हम स्टॉप हो रखे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग घर जाएंगे क्योंकि हम फ्लाईओवर में चढ़े हुए हैं और ये चीज़ आपको बहुत नीचा दिख रहा होगा, देख सकते हो आप लोग यहाँ का नज़ारा चारों तरफ का। और ये फ्लाईओवर का है इधर, और इधर से हम लोग आए हुए हैं, इधर ही हमने वापस जाना है अभी। तो देख सकते हो आप लोग, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आज ज़्यादातर जेंट्स लोग दिख रहे हैं, लेडीज़ कम दिख रही हैं आज। हम ही दो लेडीज ऐसी हैं जो हम घूमने आए हैं आज। और नीचे का नज़ारा आपको दिखाते हैं, ये फ्लाईओवर से नीचे का नज़ारा है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है, ये रोड भी बन रहा है नीचे को। तो आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं, और इधर को सोनिया विहार, और ये रोड आगे को भी है। आगे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से वापस हो जाएंगे। तो यहाँ से वापस होने वाले हैं हम, और ये खजूरी दिख रहा है आपको, और इधर दयालपुर, तुकमीरपुर, पता नहीं क्या क्या पुर है इधर, मुझे नहीं पता। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, बारिश का भी मौसम बन रहा है, बारिश आ जाती तो मज़ा आता, भीगते भीगते जाते घर। भाभी को भिगाते आज, भाभी जा रही आगे से। तो गाइस देखो, ऐसे योगा कर रहे हैं लोग यहाँ पर आके, और सामने से कितने लोग आ रहे हैं, देखो कितने लोग आ रहे हैं सामने से। हम तो वापस जा रहे हैं और लोग अभी आ ही रहे हैं इधर को, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई भाग रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं, कोई बैठे हैं, सब लगे हैं मॉर्निंग वॉक की सैर पे। गाइस देखो कितना हरा भरा यहाँ पे, बारिश की वजह से, बारिश के बाद बहुत हरा भरा हो गया। बीच में एक बार मैंने आपको यहाँ की वीडियो दिखाई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ी झील है करके, उसी पानी के ऊपर ये हरी घास जमी हुई है, देख सकते हो कितनी हरी भरी हो रही है। और इधर दिल्ली पुलिस वाले सारे खड़े हैं, पता नहीं इनकी जॉइनिंग है आज क्या है ये नहीं पता, ये सारे दिल्ली पुलिस वाले हैं, अपना सामान वामान लेके आए हैं यहाँ पे। और देख सकते हो चारों तरफ कितनी हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर को, तो देख सकते हो कितनी यहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही है, और ये हमारी भाभी जी खड़ी हैं यहाँ पे, देखो
तो गाइज घूम के मैं घर आई और घर आके मैंने सारा काम कर दिया है और झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े सब हो चुके हैं और अभी किचन का काम नहीं हुआ तो किचन में मैंने खाना बना के तैयार कर दिया है और दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। खाने में मैंने आज लंच और नाश्ता और लंच दोनों एक साथ बना दिए हैं क्योंकि थोड़ा मैं लेट भी हो गई थी और बच्चे आज सारे घर पे ही हैं और तो इसलिए मैंने लंच और नाश्ता एक साथ बना दिया। तो दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाया है मैंने। तो गाइस ये मैंने चावल बना रखे हैं जीरा राइस और ये मैंने आलू की सब्जी बना रखी है जिसको टपकी बोलते हैं और इधर मैंने राजमा बना रखी है, राजमा भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो ये राजमा बना रखी है मैंने तो आज हम राजमा चावल खाएंगे और उधर रोटी बनी हुई है। तो ये मेरा आज का खाना है गाइज, तो देख सकते हो आप लोग चावल भी मैंने बंद नहीं करे अभी, राजमा भी बंद नहीं करी और रोटी सब्जी तो पहले मैंने बना दी वो बंद कर दी, सब्जी पक गई थी तो वो भी बंद कर दी और राजमा अभी बन रही है, राजमा को करते हैं अभी थोड़ी देर में बंद। और इधर चावल तो बन के तैयार हो गए हैं, चावलों को मैं बंद कर देती हूँ। तो मेरा किचन का काम रह गया, खाना पीना खा के किचन का काम करते हैं, बाकी मेरा काम सारा हो चुका है। घर का काम जितना था सब निपटा लिया है मैंने, कपड़े भी धुल गए हैं, झाड़ू पोछा एक फ्लोर में मैंने किया, एक फ्लोर में बेटी ने किया और सबसे नीचे तो मैं पहले ही करके आ गई थी। तो गाइस खाना पीना तो मेरा हो चुका है और खाना पीना खा के किचन विचन का सारा काम होके अब मैं जा रही हूँ अपने चिंटू को डॉक्टर के पास लेके। मेरा चिंटू बीमार हो रखा है, देख सकते हो आप लोग कैसी इसकी हालत हो रखी है। मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ और देखती हूँ डॉक्टर क्या कहता है और दवाई देके ठीक हो जाएगा कहेगा तो वो करती हूँ, नहीं तो इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ेंगे तो वो करवा के लाएंगे। और इसको मैं लेके जा रही हूँ चौक पे डॉक्टर के पास, तो मैं निकल रही हूँ घर से। चिंटू मेरा बहुत ज़्यादा बीमार है, इसको दिखाना ज़रूरी है, खाना भी नहीं खा रहा है। गाइस इसको हमने इंजेक्शन भी लगवा दिए हैं और दिखा दिया है, ये है हॉस्पिटल पीछे दिख रहा है आप लोगों को। तो हम इसको दो इंजेक्शन लगवा के अब हम जा रहे हैं घर, काफ़ी गर्मी हो रही है और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है तो देख सकते हो आप लोग। और हम आए हैं स्कूटी पे, सचिन लेके आए हैं स्कूटी इधर करना, इसके शरीर में कुछ था नहीं, कुछ था नहीं, इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन भी दूसरी तरफ से निकल गया। क्या कह रहा सचिन, सुना आप लोगों ने? अब जा रहे गाइस हम इसको लेके घर, तो घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हमारा, तो घर ले चलते हैं इसको, दवाई खिलानी है, दवाई खिला के थोड़ा मेरा चिंटू सही हो जाएगा, बीमार हो रहा है काफ़ी दिनों से।